दोस्तों अर्थ को मोटा मोटा तीन भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे ये है कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो क्रस्ट और अपर मेंटल मिला के एक पोर्शन बनता है, उसको कहते हैं लिथोस्फेयर। और ये जो लिथोस्फेयर है ये एस्थेनोस्फेयर के ऊपर रहता है। एस्थेनोस्फेयर क्या है, ये लिक्विड पोर्शन रहता है, तो इसी पे फ्लोट करता रहता है लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर कंटिन्यूअस नहीं है, जगह जगह से ब्रेक है। तो ये जो कंटिन्यूअस पोर्शन होता है उसको प्लेट कहते हैं। तो इस तरह से सात मेजर कंटिन्यूअस पोर्शन है, मतलब सात मेजर प्लेट्स हैं। जैसे देखिए ये है अफ्रीकन प्लेट है, ये है साउथ अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये है पैसिफिक प्लेट है, ये माइनर प्लेट है, नजका प्लेट है, और ये यूरोशियन प्लेट है, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो इस तरह से जो मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स है ना आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो एक दूसरे के पास आती हैं या दूर जाती हैं। तो उस हिसाब से ना अर्थ एक भूकंप और इस तरह से माउंटेन बिल्डिंग होता है।